नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूं और देखते हैं आज का दिन यानी कि 4 फरवरी 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन सामान्यता जाएगा, कुछ खास उतार चढ़ाव न तो कार्य क्षेत्र में ना आपकी पारिवारिक स्थिरता में आपको देखने को मिलेगा। परिस्थितियां जैसी अनुकूल चल रही थी वैसी चलती रहेंगी, कुछ खास लोड लेने की भी जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आत्मबल में वृद्धि होगी और आप अपने लिए पुराने मैटर्स को टेकअप कर पाएंगे जो कि इतने दिनों से पेंडिंग चल रहे थे या किसी कारणवश आप पुराने मैटर्स को टेकअप नहीं कर पा रहे थे। कुल मिला के पारिवारिक तौर पे या पारिवारिक स्तर पर आपकी परिस्थितियां आज के दिन बेहतर होती जाएंगी, लेकिन उसमें कुछ खास एफर्ट्स करने की, आपको चिंता करने की, एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिचुएशंस आपके फेवर में ऑलरेडी हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आज के दिन की बात करूं मैं वृषभ राशि वालों, तो आज का दिन आपको कार्यक्षेत्र में विस्तार के, बदलाव के कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेंगी, मन आपका शांत रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आप अपने लिए वो सारी परिस्थितियां मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे जो पिछले साल आप बस कोशिश कर रहे थे और आपके पास चीज़ें नहीं आ रही थी। रिलेशनशिप में भी स्थिरता बनते हुए देखेंगे, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, साथ ही साथ रिलेशनशिप स्थिरता की तरफ देखते हुए आप और आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आज के दिन ट्रैवलिंग कर सकता है और ट्रैवलिंग के दौरान आप लोग अपने स्ट्रेस को या जो मिसकम्युनिकेशन हुआ था उसको भी आप रिजॉल्व करते हुए नजर आ सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए रेजुविनेट करने का है। साल की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, अब आपको फोकस्ड अप्रोच के साथ रेजुविनेशन अगर आपका हो चुका हो तो अब आपको प्राथमिकताएं अपनी लाइनअप करनी चाहिए। कार्यक्षेत्र में विस्तार के आयाम, विस्तार के अनुरूप आपको बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। पारिवारिक आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला हुआ है, सिचुएशंस, परिस्थितियाँ, विचारधारा आपके फेवर में ऑलरेडी हैं, लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपने लिए सर्वाधिक एक लाभ की परिस्थिति कार्यक्षेत्र के संदर्भ में आज के दिन क्रिएट होते हुए देख सकते हैं। आज के दिन कार्यक्षेत्र में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को बस अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन स्वाभाविक तौर से आपके लिए स्वतः आपके किए हुए पिछले साल एफर्ट्स को देखते हुए आपके लिए अनुरूप रिजल्ट्स लेकर आएगा। आपके लिए कहीं ना कहीं जो आपने सोचा था, चाहे आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आर्थिक स्थिरता को और मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ विचार कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अब आपके लिए आज के दिन कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ बेहतर करती हुई जाएंगी। आपके मानसिक बल में भी इजाफा होगा और आपको अपनी सिचुएशंस और बेहतर होते हुए देखेंगे। साथ ही साथ आज के दिन माता या माता तुल्य किसी सदस्य के स्वास्थ्य की थोड़ी सी आपको चिंता सता सकती है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको कहीं ना कहीं चारों तरफ से स्थिरता को बनाने की कोशिश में लगाना चाहिए। आज के दिन अगर आपको लगता है आत्मबल में वृद्धि करने के लिए कुछ लिखाई पढ़ाई करनी है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको लगता है अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है तो वहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ सीखने चाहिए तो आपको वहाँ पर बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर आज का दिन आपको अपने ऊपर बिताना चाहिए, अपनी परिस्थितियों को, प्राथमिकताओं को, सिचुएशंस को, विचारधाराओं को कहीं ना कहीं मजबूत करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आर्थिक स्थिरता, मानसिक शांति आज के दिन आपको सब तरफ से देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अगर मैं देखूँ तो ये समय काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए परिवार के समय, जो आप परिवार के साथ समय बिता रहे हैं वो आपके लिए परिस्थितियां मजबूत करता हुआ जा सकता है। साथ ही साथ आज के दिन महत्वपूर्ण दृष्टिकोण भी आप अपना सकते हैं जो कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ आपके लिए मानसिक संतुलन भी आपका मेंटेन रहेगा। कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल में आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ अपने दिनचर्या में ही आप ऐसा कुछ चेंज कर सकते हैं जो संतुलन या बैलेंस बना सके। लाइफस्टाइल बैलेंस की बात करें, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, कहीं ना कहीं सारी सिचुएशंस आपके लिए अगर आप संतुलन बनाने की तरफ अग्रसर होते हैं या सोच रहे हैं तो आज से आपके किए गए प्रयासों में आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करके आगे बढ़ने का है। आज का दिन नए काम, नई नौकरी, नई विचारधारा को अपनाने का है। अगर आपको लगता है कि आपके कार्यक्षेत्र में अगर आपको लगता है कि कार्यक्षेत्र में सैचुरेशन पॉइंट आ गया है तो आज का दिन आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन आपको देकर जाएगा कि अब आपको कहीं ना कहीं आत्म प्रेरित होकर नई नौकरी पर विचार करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ अगर आप
अपनी प्रोफेशनल सिचुएशन और मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन एडेड सर्टिफिकेशंस भी आप कर सकते हैं। खास तौर पे अगर आपका निजी व्यवसाय है और उसमें आप अपनी मजबूती और पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं और स्टडीज करके अपनी परिस्थितियों को या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे फोकस करके अपने लिए मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज पे भी फोकस कर पाएंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए नॉर्मल जाएगा, कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। परिस्थितियां आपके फेवर में रहेंगी, माता पिता का स्वास्थ्य सही रहेगा, पारिवारिक स्थिरता भी बनी रहेगी, अनुकूलतम परिस्थितियां आपके लिए चलती हुई नजर आएंगी, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अगर आपको बीच बीच में इमोशनल डिस्कनेक्टेड आप फील कर रहे थे तो अब वो सिचुएशन भी कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होती नजर आएगी। कुछ लोग जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़े थे या आपकी सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ रास्ता आपको मिला था और बीच में सिचुएशंस हेल्ड अप हो गई थी, अब आप परिस्थितियों को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। पॉजिटिविटी आपको उस तरफ से भी अपनी चीज़ों में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आज के दिन स्वास्थ्य भी आपका लाभदायक, आपके लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं भी आपकी दूर होंगी और स्वास्थ्य में भी आपके इजाफा होते हुए आप देखेंगे। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए निवेश करने के संदर्भ से काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। निवेश करने की परिस्थिति को आप अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। पॉजिटिविटी बनाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से जो आपका मेंटोर हो या उम्र में आपसे बड़ा हो, उनके एक्सपीरियंसेस से आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ले सकते हैं। साथ ही साथ परिस्थितियां आपके फेवर में आ जाएंगी अगर आप सब तरफ से सुनिश्चित कर लें कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसमें कितनी आपकी ग्रोथ है, यानी कि आपको पूर्व आकलन सिचुएशंस का, परिस्थितियों का आज के दिन कर लेना चाहिए और आज के दिन से बेहतर दिन कुछ हो नहीं सकता है। जीवन में नई शुरुआत करने के लिए, नई विचारधारा को जन्म देने के लिए आज का दिन कहीं ना कहीं आपके लिए सर्वोत्तम लाभदायक साबित हो सकता है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए मकर राशि वालों, आज का दिन रिलैक्स करने का है, आज का दिन अपने आप को रेजुमिनेट करने का है, आज का दिन अपने पुराने शुभचिंतकों से, मित्रों से कहीं ना कहीं टच बेस बनाने का है, आज का दिन अपनी परिस्थितियों को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए आपको आत्मचिंतन, आत्मबल में कहीं ना कहीं वृद्धि करने का है। आप अपने ऊपर अगर ध्यान देंगे, अपनी परिस्थितियों को पॉजिटिव बनाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो आप सब तरफ से अपने लिए शुभ संकेत हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ लंबे समय से चल रही कोई बीमारी या विवाद आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिरता लेकर आएगा, यानी कि विवाद में आपकी पॉजिटिविटी या विजय आप घोषित होंगे, कहीं ना कहीं नेगोशिएट करने की आपकी सिचुएशन और स्ट्रॉन्गर बेस टच करेगी। साथ ही साथ अगर बीमारी चल रही होगी तो वहाँ पर भी आपको इलाज आपको लगना शुरू हो जाएगा। कुल मिला के आज के दिन से आप नई शुरुआत कर सकते हैं और अपने ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो और जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए कहीं ना कहीं सिचुएशंस को, पॉजिटिविटी को, सब तरफ जो आपने अपने लिए बनाई है, चाहे वो एक पॉजिटिव सिचुएशन हो, चाहे वो अपनी एक अलग सिचुएशन हो, एक कंडीशन हो, वो सारी आज के दिन आप कोलैबोरेटिव अप्रोच लेकर आगे बढ़ सकते हैं, जो कि आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके परिवार के लिए स्थिरता का सबब बन सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सर्वाधिक आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। कुछ नया निवेश करने की सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, घर चेंज करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आज के दिन आपके द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। खास तौर पे आपके और आपके परिवार के बीच अगर ऑन एंड ऑफ कोई डिस्टेंस आ गया होगा तो वो भी आज के दिन कहीं ना कहीं बैलेंस या इवन आउट होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे लेते हुए जाना चाहिए। आज का दिन आर्थिक स्थिरता की तरफ आपको प्लान करना चाहिए। सब तरफ से आपकी आज के दिन परिस्थितियां बेहतर होते हुए नजर आएंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत आपके लिए बलवान है। कहीं ना कहीं नौकरी चेंज करने के, नया काम काज करने के, बिजनेस विस्तार के योग आपके लिए ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। पॉजिटिविटी आपको अपनी चीज़ों में, अपनी परिस्थितियों में, अपनी विचारधाराओं में देखने को मिल जाएगी। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, साथ ही साथ आप अपने लिए वो सभी चीज़ परिस्थितियां अनुकूलतम बना पाएंगे जो पिछले दिनों से आपको परेशान कर रही थी। कुल मिला के हायर स्टडीज़ का भी या कुछ ना कुछ परिस्थितियों को और पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर ही दिखाई दे जाएगी। कुल मिला के ये अच्छा समय है नवीनतम प्रोजेक्ट्स को टेकअप करने का और आत्मबल में वृद्धि करके आगे बढ़ने का। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।